सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। सबसे बड़ा अन्याय सहन करना और गलत के साथ समझौता करना है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को असफलता से घबराना नहीं चाहिए। आज का पंचांग 25 जून 2023 दिन रविवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 12:25 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 10:11 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:27 से 7:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर शाम 4:52 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। तुला राशि 25 जून 2023 दिन रविवार, आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। ये स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे। आपको बस दृढ़ता पूर्वक डटे रहना है, लेकिन चिंता न करें। एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की प्रशंसा करेंगे। रैंक या पद में हुए बदलाव से यात्रा का मौका मिलेगा। शिक्षक या सलाहकार भी इस यात्रा में आपके साथ जुड़ सकता है। इस पल का पूरा उपयोग करें और जीवन के बारे में अपने विचारों को बदलें। चोरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए यात्रा करते समय सावधान रहें। आज आप जीवन की सुंदरता का मजा लेने के मूड में हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहेंगे और जीवन के अच्छे पलों को याद करेंगे। दूसरों की तारीफ करें, इसके बदले में आपको प्यार और स्नेह प्राप्त होगा। विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करें और जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार ही व्यतीत करें। जो धुंध आपके चारों ओर छाई हुई है और आपकी प्रगति की बाधा कर रही और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है। आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास आज असफल हो सकते हैं, हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति जल्द ही सुधरेगी। हो सकता है कि आप अपने परिवार के लोगों की सभी बातों से सहमत ना हो, लेकिन आपको उनके तजुर्बे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने प्रिय के नाराजगी के बावजूद अपना प्यार जाहिर करते रहें। आज का दिन बढ़िया प्रदर्शन और खास कामों के लिए है। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित है आपको उसके संकेत दिखाई देने लगेंगे। जीवन साथी की वजह से आपको अनमने ढंग से बाहर जाना पड़ सकता है, जो बाद में आपकी झुंझुलाहट की वजह बनेंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल है, कोई भी फैसला सोच समझ कर लेने से फायदा होगा। कलात्मक कार्यों में भी रुचि बनी रहेगी। जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता प्राप्त होगी। किसी वरिष्ठ की मदद से पुराने झगड़े सुलझ सकती हैं। परिवार से अधिक काम को महत्व देने की वजह से जीवन में संतुलन बिगड़ सकता है। जो जिम्मेदारियां हैं वह निभाएं, लेकिन कुछ वक्त परिवार के लोगों को देने की कोशिश करें। जब भी जीवन में कठिनाई होती है तब किन लोगों का साथ आपको मिलता है उनकी संगत में रहें। लोगों की वजह से कुछ नकारात्मक लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। सतर्कता रखें, नकारात्मक व्यक्ति के साथ बना हुआ रिलेशनशिप तकलीफ का कारण बनेगा। लो बीपी के कारण कमजोरी भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री संबंधित कार्यों में अधिक लाभ की उम्मीद न करें, क्योंकि ज्यादा पाने की चाह में नुकसान हो सकता है। बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास न करें। युवाओं को अपने करियर से संबंधित सफलता पाने के लिए एकाग्रचित रहना आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको अपने कार्य के
प्रति एकाग्रता रखने के लिए एनर्जी प्रदान करेगा। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके संबंध में कुछ उलझन का समय चल रहा है। पिछले दिनों लोगों में बहुत सारी घटनाएं हुई पिछले कई दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और आपके रक्षात्मक रुख और आपने रक्षात्मक रुख अपना लिया है, जिससे आप केवल अपना सर नीचा करके शांति बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि यही वो समय है जब आपको अपने रिश्ते की गहराई को जानने के लिए अधिक आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत है। भावुकता पर नियंत्रण रखें और रोमांटिक जीवन में बदलाव के बारे में सोचें। प्यार है तो आज के दिन इसे व्यक्त करने के लिए शुभ है। आज थोड़ा आराम करने और इन क्षणों को पूरी तरह से एंजॉय करने का दिन है। आपका परिवार और दोस्त हैं, जिनके साथ आप पुरानी सुनहरी यादों में खो जाएंगे। अपने दिल के सबसे करीबी की सराहना करके उससे अपने प्यार का इजहार करें। आपका दोनों का साथ पूरी दुनिया को जीत सकता है। बात करते हैं करियर की। पिता की तरह का कोई व्यक्ति या आपके अधिकारी आपके कौशल को पहचानते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कुछ समय अभी इंतजार करें। जल्द ही विदेश यात्रा भी कर सकती हैं। शिक्षक का साथ कानूनी मामलों को हल करने में मददगार है। आज आप दोस्तों और परिवार के साथ पुराने अच्छे दिनों को याद करेंगे। यह यादें आपके जीवन को खुशनुमा बना देगी। प्रियजनों को सराहने से पीछे न हटें, इससे संबंध मजबूत होते हैं। लोगों की भावनाओं को समझें और दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर कोई सपना देखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए भी जी जान लगा दें। हालांकि आपको अपने कार्यस्थल पर हर्षा और आनंद लेने की कला आती है, परंतु अब आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप आज एक गैर जरूरी कार्य में भी गंभीर मुद्रा में रहेंगे। एक सहयोगी के सुस्ते और लापरवाही के कारण आप उसका काम अपने लिए कर सकते हैं, इसलिए आप पर कुछ अनुचित कार्य का दबाव आज बन सकता है। बिजनेस में उचित व्यवस्था और तरक्की के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित व्यवसाय में अच्छी कमाई होने की उम्मीद है। नौकरी में टारगेट पूरा करने में सफल रहेंगे तथा तरक्की के भी योग बने रहेंगे। काम को सुविधाजनक बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को पहचानें। प्रकृति में कुछ समय बिताने से शांति मिल सकती है। घर का माहौल खराब हो सकता है, घर के बड़ों का अनादर ना करें। युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। आज कारोबार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। बात करते हैं सेहत की। आज पानी से जुड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए अगर आप तैराकी, सीलिंग या सर्फिंग के लिए जा रही हैं तो अतिरिक्त सावधानी रखें। इसके अलावा आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी और आप नए व्यायाम या योग कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। अपने आसपास किसी से आप और अच्छे शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। आज का उपाय। आज अब सूर्य देव को जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।